का दिन 3 जनवरी ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जिस समय माता सावित्रीबाई फुले जब उस समय 1818 के अंदर 1 जनवरी 1818 स्कूल में 48 को स्कूल खोली गई थी, उस समय सनातन और अधर्मी लोग माता सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे, फतरे मारा करते थे और उस समय ये लोग कहते थे कि इस देश में धर्म का नाश हो रहा है। और उस समय माता सावित्रीबाई को काफ़ी प्रताड़ित किया गया था। आज वही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पूना के अंदर माता सावित्रीबाई फुले खोली गई, जिसमें आज कई लोग महिलाएँ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस देश में जानवरों को पानी पीने का अधिकार था, जानवर से भी गया भी थी अगर कोई स्थिति थी, महिलाओं और इस देश के अति शूद्र शूद्रों की थी, जिनको पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया था। ऐसे समय माता सावित्रीबाई फुले ने सारे देश के अंदर सबसे पहले स्कूल खोली 1848 के अंदर, और वहाँ से महिला जो जिनको मौलिक अधिकार मिले, आज महिलाओं का जो मुक्ति का मार्ग अगर महिला प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और विधायक तक अगर बनी है तो ये माता सावित्रीबाई फुले की देन है। क्योंकि इस देश के अंदर अगर शिक्षा की देवी है तो माता सावित्रीबाई फुले है, ना कि कोई और। इसलिए 3 जनवरी को तमाम बहुजन समाज के लोग 3 जनवरी को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की मांग करते हैं, और हर साल हम इसको शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज बुरहानपुर में यह माता सावित्रीबाई फुले के प्रतिमा पर कई गणमान्य कई नेता लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती में उन्हें फुलहार अर्पित किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मैं अनिल सोले सही के साथ ही संतोष पाटिल के साथ में देखते रहे जन्म। मैं तो आज हम सभी लोग समाज के प्रथम शिक्षिका आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, और यह महिमा भरा कार्यक्रम क्योंकि हमारे देश में महिला को शिक्षा अधिकार दिलाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था वो कभी इंडिया भारत भूल नहीं पाएगा, महिलाएं खासकर भूल नहीं पाएगी। इतना उत्कृष्ट कार्य करके इन महात्माओं ने अपना जीवन त्यागा है, आज उनका जो भारत रत्न की मांग थी वो आज तक नहीं हो पाई है। हम भी एक वही मांग हमेशा करते आ रहे हैं। भारतीय सरकार में जो भी पदों पर बैठे हैं उनको भी हमारा निवेदन यही है कि जिन्होंने इतने महान कार्यों को अंजाम दिया है उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, यह हमारी सभी समाज की ओर से मांग है। उसके लिए भी सारे महाराष्ट्र सरकार ने अपना दायित्व निभाने का घोषित किया हुआ है, और हम भी चाहेंगे कि ऐसे पुण्यात्माओं को हम श्रद्धांजलि और जयंती मनाएं और उनको भारत रत्न देने के लिए हम सभी प्रयास करें। भी जयंती हम मना रहे हैं, है ना। माता सावित्रीबाई फुले में जो काम किया है महिलाओं के लिए, उस तत्कालीन समय में कोई भी महिला को, कोई भी जाति और धर्म की महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला के रूप में उनको गौरव प्राप्त हुआ, और आज वर्तमान में जो भी महिला जिस पद पर बैठी है ये सब माता सावित्रीबाई की देन है। प्रयास चल रहा है कि शिक्षा दिवस में माता सावित्रीबाई शिक्षा के रूप में, शिक्षा की देवी के रूप में मतलब मनाया जाए, ऐसा हम लोग दबाव बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न के लिए काफ़ी समय से मांग है, लेकिन भारत रत्न से भी बड़ा जो पब्लिक ने जो उनको महात्मा की जो पदवी दी है हम लोग उसको भारत रत्न से भी बड़ा मान रहे हैं। हाँ, माता सावित्रीबाई फुले के लिए भी भारत रत्न की और दोनों फुले दंपति के लिए इसकी भारत रत्न की हम मांग कर रहे हैं। भाई फुले की 192वीं जयंती हम लोग पूरे समाज जन व सभी शहरवासी मिलकर मना रहे हैं, और हम इस माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर इतना ही कहना चाहेंगे कि इनकी जो किए हुए कार्य है उनको हम लोग हमारे दैनिक दिनचर्याओं में लाते हैं। समाज में जो इस समय जो दूरियां या जो तरीके की भ्रामक बातें फैल रही हैं इसे दूर करा जाए। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सर्वप्रथम उनके चरणों में नमन करता हूँ, और कहना यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने जो देश को एक संदेश दिया है शिक्षा के माध्यम से विकास का, समाज के विकास का, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन लोगों ने अपने शिक्षा के इस प्रयास को प्रारंभ किया था, पूना के एक छोटे से शिक्षा के लिए एक जो उनका प्रयास था, पूना के एक छोटे से एक कस्बे, क्या कहना चाहिए आपका, एक पूना के एक इलाके में कुछ बच्चों को उन्होंने, बच्चियों को पढ़ाने की शुरुआत की, और शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार हम
पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर एक विकसित समाज बना सकते हैं। आज ऐसा लग रहा था कि भारत रत्न की से आप सम्मानित किया जाए, लेकिन इस वर्ष की निराशा जो हाथ लगी, क्या कहना चाहूँगा? भारत रत्न से उन्हें सम्मानित जब भी किया जाएगा वो एक निश्चित ही गर्व की बात होगी, पर वो यूं भी भारत का एक अनमोल रत्न है और हमेशा रहेंगे। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, उनकी 192 जयंती है, जिन्होंने लगातार इस देश में, इस देश की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई रही, जिन्होंने महिलाओं में उस समय जो परिस्थितियाँ थी उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन सबसे पहले माता सावित्रीबाई सामने आई, महात्मा ज्योति फुले ने उनको पढ़ाया, तब जाकर के इस देश में शिक्षा की ज्योत जली। उन्हें बार-बार प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होती तो मेरे जैसी कितनी बेटियाँ पढ़ ना पाती, और आज मैं पढ़ ना पाती तो मैं जो कुछ कर पाती हूँ मैं कुछ ना कर पाती। हमने तो शिक्षा विभाग ने माँ सावित्रीबाई फुले के नाम पर भी हमने एक पारितोषिक, एक अवार्ड घोषित किया है, महात्मा फुले जी के नाम पर भी एक अवार्ड घोषित किया है, उसको अपने अपने शिक्षा, अपने जो हमारा करिकुलम है उसमें डाला है, और इसलिए आज के दिन में निश्चित तौर पर उनका पुण्य स्मरण किया जाना चाहिए। और इस देश में तो हर दिन एक प्रकार से शिक्षा दिवस है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि ऐसे जियो कि कल मर जाओगे, पर ऐसे पढ़ो कि कभी नहीं मरोगे। तो शिक्षा का स्तर विषय रोज का है। मैं आज के दिन डॉक्टर राधाकृष्णन को भी प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ, देश के समस्त महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज अगर वे ना होते, अगर महात्मा फुले ना होते, अगर माँ सावित्रीबाई फुले ने अपने पति का इस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ ना दिया होता तो आज का ये दिन देखने को हमें नहीं मिलता। धन्यवाद। तो भारत रत्न सम्मानित किया गया, क्या बोले? आज इस साल निराशा मिली क्योंकि भारत रत्न सम्मानित किया गया, क्योंकि बहुत सालों से बिल्कुल उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जाना चाहिए। और आज़ादी का 75वां हमने अभी जयंती मनाई है, और हमने तो ये भी देखा कि हमारे अटल जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक जितने महापुरुषों को विस्मृत किया गया था उन सबको स्मरण कर उनके साथ अगर कोई, अगर हिस्टोरिकली कोई चीज़ में अगर डिले हुआ है तो वो मोदी जी की सरकार में पूरा होगा। और मैं आज अपनी ओर से भी मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस पर एक निवेदन पत्र लिखूंगी, माननीय राष्ट्रपति जी को भी इस पर एक आग्रह करूंगी। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ये किसी समय पर होने का उचित समय है वो अभी है, निश्चित तौर पर हमारी केंद्र की सरकार इस पर ध्यान देगी और निर्णय करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। फुले जी की 192 जन्म जयंती है, इस अवसर पर पूरे सामाजिक लोग आज इकट्ठा होकर के उनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि हम जिस तरीके से आज तक वंचित है भारत रत्न के लिए, तो सभी सामाजिक दल भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी एक आशा करते हैं कि वो भारत रत्न दिलवाने के लिए प्रयास करें, अन्यथा हम 11 अप्रैल को जो रैली निकालेंगे उसमें अगर हो सके तो यहाँ तो रैली निकालेंगे लेकिन उतने ही लोग दिल्ली आकर के हंगामा भी करेंगे भारत माता, भारत रत्न के लिए।